दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय चेतन क्लिनिक। विवाहित जीवन बिताएं खुशियों के संग, पाए नई शक्ति, जोश, जवानी व उमंग। चेतन क्लिनिक के संग दरियागंज और बदरपुर नई दिल्ली। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9810089168। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का, और मिड डे की जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा और कहा कि वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं का हुआ है। प्रेस से पार्लियामेंट तक, सोल्जर्स से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के कम सीटें, 220 लाने पर नितिन गडकरी के पीएम बनने के चर्चाओं पर विराम लगाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी में ऐसा कोई 220 क्लब नहीं है जो यह चाहता हो कि सीटें घटे और पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर कोई अन्य नेता उभरे। बिहार में कई दौर के चर्चा के बाद आखिरकार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात बनती दिख रही है। सूत्रों से खबर मिली है कि राज्य में आरजेडी 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर महागठबंधन में शामिल आरएलएसपी जैसी छोटी पार्टियों को शामिल किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू होने के बाद 2 दिनों तक पश्चिमी यूपी के मेरठ जिले में किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि शुभ मुहूर्त के इंतजार में प्रत्याशी होली के बाद नामांकन दाखिल करने की बात कह रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से F-16 लड़ाकू विमानों के जरिए भारत में घुसने को लेकर वायुसेना ने अब सरकार से अपने लिए तत्काल नए लड़ाकू विमान और मिसाइलों समेत नए आयुध खरीदने को कहा है। बता दें कि पाकिस्तान के F-16 के मुकाबले भारतीय वायुसेना को MiG-21 को उतारना पड़ा था जो कि काफी पुराना है। कांग्रेस पर दिल्ली में आपसे गठबंधन के लिए चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है, और इस कड़ी में ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के बाद अब महागठबंधन के एक अन्य पार्टनर एनसीपी नेता शरद पवार ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन कराने के लिए दोनों पक्षों के नेताओं से मुलाकात किया है। महाराष्ट्र में एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिंह मोहित पाटिल के बेटे रणजीत सिंह मोहित पाटिल एनसीपी छोड़कर आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पाटिल का यह कदम एनसीपी चीफ शरद पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के निधन के बाद सीएम प्रमोद सावंत के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार आज राज्य में फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में बीजेपी को 21 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से 12 बीजेपी के, 3 गोवा फेवर्ड पार्टी और 3 गोवा फॉरवर्ड पार्टी और 3 MGP और 3 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गंगा में बोट यात्रा का आज अंतिम दिन है, और यात्रा के अंतिम दिन वह पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रही हैं। यहां वह शहीदों के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के छत्तीसगढ़ के वर्तमान सांसदों को तगड़ा झटका देते हुए पार्टी नेता और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि राज्य में 10 सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा और उनकी जगह पर नए उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव के कांग्रेस से दूरी बनाने पर यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष और सहारनपुर संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी इमरान मसूद सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती और अखिलेश के बयान से मुस्लिम मतदाताओं में नाराजगी है। वे हैरान है कि दोनों पार्टियां कांग्रेस के साथ क्यों नहीं है। भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली सर्वोच्च संस्था लोकपाल का गठन हो गया है। देश को बहुप्रतीक्षित लोकपाल मिल गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष देश का पहला लोकपाल नियुक्त करने को मंजूरी दे दिया है। पीएम मोदी के वंशवाद वाले ब्लॉग पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने किया पलटवार। कहा, नरेंद्र मोदी ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वे किसी वंश से नहीं आते हैं, और जो किसी वंश से नहीं आता वो यह कैसे कह सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे एक पेशा बताइए जहां वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थॉमस संगमा ने भाजपा छोड़कर NPP में शामिल हुए 8 विधायकों और 2 मंत्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि NPP किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने और 9 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें केरल के 2 और महाराष्ट्र के 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी अब तक 146 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है।
चुनाव के दौरान काले धन की खपत या अवैध तरीके से नकदी के आवागमन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग ने राजधानी दिल्ली में एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया है और इसके साथ ही एक टोल फ्री टेलीफोन नंबर भी जो कि है 1800117574 जारी किया है, जिसके जरिए लोग किसी के भी बेहिसाब खर्च की जानकारी आयकर विभाग को दे सकते हैं। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना पर पश्चिम बंगाल की ममता बैनर्जी के रवैये से आजिज केंद्र ने इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल को मिले 187 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय से ना तो मरीजों के क्लेम की दावेदारी की जा रही है और ना ही अब तक आधिकारिक रूप से इनकार किया गया है। मुख्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव में सेना या उससे जुड़े कंटेंट इस्तेमाल नहीं करने को लेकर चेतावनी देते हुए कहा, वह एक बार फिर से सभी राजनीतिक दलों को सलाह दे रहे हैं कि उन्हें सैन्य बलों के पोस्टर और उनके वीडियो का प्रयोग चुनावी प्रचार प्रसार में ना करें। पुलवामा घटना के गुनहगार मसूद अजहर पर फ्रांस के बाद जर्मनी ने भी प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद मामले में भारत की मुहिम का समर्थन करते हुए जर्मनी ने मसूद अजहर की संपत्ति जब्त करने का ऐलान किया है। यात्रियों के लिए मेट्रो की सुविधा को और सुलभ बनाने के लिए नोएडा सेक्टर 62 से मोहन नगर और वैशाली से लेकर वसुंधरा सेक्टर 2 तक मेट्रो लाइन की संशोधित डीपीआर को गाजियाबाद मेट्रो प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश सरकार की तरफ से इस डीपीआर को अनुमति मिलने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। रिलायंस कम्युनिकेशन ने सैंडविच टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी इरेक्शन को बकाया 462 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर चेयरमैन अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया। आपको बता दें कि ये भुगतान नहीं होने पर अनिल अंबानी को 3 महीने तक की जेल हो सकती थी। साथ ही आपको बता दें कि ये दोनों कंपनियों के बीच 1 साल से कानूनी लड़ाई चल रही थी। फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार शाहरुख खान आयकर विभाग के एक आदेश को चुनौती देने के बाद एक बार फिर कानूनी मामले में फंस गए हैं, जिसने अभिनेता को कथित बेनामी संपत्ति के मुद्दे से राहत दी है। आईटी विभाग ने प्राधिकरण डिस्कशन के उस आदेश को चुनौती दी है जिसने मामले को खारिज कर दिया है और शाहरुख खान की फर्म द्वारा बेनामी के रूप में अर्जित की गई संपत्ति का लेबल लगाने के लिए विभाग को फटकार लगाई। स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनी शाओमी आज भारत में कंपनी का नया रेडमी गो लॉन्च करेगी। एंड्रॉइड गो एडिशन पर चलने वाला ये शाओमी का पहला स्मार्टफोन होगा। रेडमी गो शाओमी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन हो सकता है। शाओमी इस स्मार्टफोन को नई दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में लॉन्च करेगी। रेडमी गो स्मार्टफोन में 5 इंच का HD डिस्प्ले है। साथ ही इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 1 GB रैम के साथ 8 GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अब टेलीकॉम तक ही सीमित नहीं रही है। कंपनी जल्द ही अपनी DTH सेवा भी पेश करने की योजना में है। ऐसे में कंपनी को एक इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ही लगता है कि बाकी कंपनियों ने अपनी तैयारी शुरू कर ली है। जियो ने केवल कंपनी जैसे हैथवे, डेटाकॉम और डेन नेटवर्क का बड़ा हिस्सा तो अपने नाम कर ही लिया है। इसकी पूरी परिस्थिति में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एयरटेल डिश टीवी के साथ जुड़ने की प्लानिंग कर रही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC भारत भर में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती कर रहा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC में नौकरी पाने का उम्मीदवारों के पास महत्वपूर्ण अवसर है। ऑयल में लगभग 900 से ज्यादा वैकेंसी नोटिफाइड की गई है। गेट पास या बिना गेट पास वाले उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए पात्र है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए युवाओं का आज है उत्तम अवसर। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न संगठनों UPSSC, VMC, ONGC एवं अन्य पदों में निकाली गई 15,000 से ज्यादा नौकरियों के लिए आज ही आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न संगठनों में हेल्थ केयर, सिविल सेवा, AIS, IAS और IFOS एवं अन्य पदों के लिए भर्ती के लिए आज 20 मार्च को 1500 से ज्यादा बम्पर वैकेंसी पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। युवाओं के लिए इन पदों के लिए आवेदन करने का अति उत्तम अवसर है। दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर एक ऐसे स्टार हैं जिनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी फैंस को काफी पसंद आती है। इन दोनों सितारों के रिश्ते में एक समय भले ही कड़वाहट आई थी, लेकिन आज भी इनके बीच का बॉन्ड और दोस्ती का रिश्ता कितना अच्छा है, इसकी झलक हाल ही में देखने को मिली। दरअसल दीपिका और रणवीर हाल ही में एक एड शूट के सेट पर साथ दिखाई दिए थे। यहां से जाने के दौरान दोनों ने एक दूसरे को क्लोज फ्रेंड की तरह गले लगाया। उनके इस गले लगाने की तस्वीर को इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल करा जा रहा है।
मनोहर पारिकर के बाद अब उनकी विरासत प्रमोद सावंत ने संभाली है। सावंत गोवा में बीजेपी के अकेले विधायक हैं जो आरआरएस क्वार्टर से हैं। गोवा के सीएम बनने से पहले वह पार्टी के प्रवक्ता और गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 2017 में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तभी उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। सीएम पद के तौर पर प्रमोद सावंत की मजबूत दावेदारी के कई कारण थे। पार्टी के प्रति वफादारी, पूर्व सीएम मनोहर पारिकर की पहली पसंद होने और पार्टी को अगले 10 से 15 साल तक ऐसे नेता की जरूरत जो पार्टी की कमान संभाल सके। ऐसे में मनोहर पारिकर के बाद अब उनकी विरासत प्रमोद सावंत संभालेंगे। फिल्म इंडस्ट्री की शानदार एक्ट्रेस और महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन काफी सख्त मिजाज की हैं। अक्सर ही उनके इस रवैये के चलते भी वह चर्चा में रहती हैं। हाल ही में ऐसा एक और वाकया सामने आया जब उन्होंने बिना किसी परमिशन के उनके फोटो लेने के लिए एक फैन को जमकर फटकारा। सोशल मीडिया पर उनकी ये सख्त मिजाज वाला ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले वीडियो कॉलिंग ऐप स्काइप के जरिए यूजर्स अब एक साथ 50 लोगों से कॉल कर सकेंगे। पहले इस वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म के जरिए 25 लोगों को एक साथ ग्रुप कॉल किया जा सकता था। स्काइप के लेटेस्ट अपडेट के बाद ये फीचर मिल सकेंगे। इसके अलावा स्काइप में ऑडियो वीडियो बटन को अनेबल किया जाएगा। इसके जरिए बड़े ग्रुप के साथ बात करते समय यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से माइक्रोफोन ऑन या वेब कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी मिड डे की ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।